तो गाइस यार, क्या आप लोग भी यार ग्रेनेड किंग बनना चाहते हो? आप भी चाहते हो कि आपका ग्रेनेड सबसे ज़्यादा अच्छा जाए? तो यार आपको चाहिए एक पिस्टन पेट। सबसे पहले एक एग्जांपल देखो गाइस यार, यहाँ पे मैंने पिस्टन के साथ ग्रेनेड डाला एंड ये चीज़ गाइस इतना दूर जाके फटा, एंड वहीं पर यार मैंने विदाउट पिस्टन यहाँ पर नेट फेंका तो ये थोड़ा पास में ही रह के फट गया। तो आप लोग देख सकते हो पिस्टन का इंपॉर्टेंस। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि क्लोज रेंज में आपको बिना पिस्टन के नहीं खेलना चाहिए। जैसे मान लो आप लोग विदाउट पिस्टन हो तो गाइस यार दो चीज़ होना चाहिए, या तो एनिमी को आपको पास आना चाहिए या तो आपको एनिमी के पास जाना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पर गाइस यार, मेरे को पता चला कि ये एनिमी यहाँ पे रुकेगा एंड मैंने यहाँ पे ग्रेनेड डाल दिया। देखो क्लोज में एनिमी था एंड ये नॉक हो गया। अब सेकंड सिचुएशन में गाइस यार देखो, मैं एनिमी के पास जा रहा हूँ, यहाँ पे मेरे को एनिमी का साइन आ रहा है एंड मैंने यहाँ पे ग्रेनेड डाला एंड गाइस ये इजिली नॉक हो गया। तो देख सकते हो ये विदाउट पिस्टन है, मतलब क्लोज रेंज में आप विदाउट पिस्टन भी ऐसे नॉक निकाल सकते हो। चलो फटाफट से चलते हैं हमारे अगले टिप की तरफ जो कि है नंबर 9। एंड गाइस यार इस वीडियो का पार्ट 2 भी अगर आप लोग कमेंट में बोलोगे तो आ जाएगा, लाइक करके शेयर उसे कर देना। सो गाइस यार यहां पर नंबर जो हमारा 9 होने वाला है, यहां पे मैं आप लोग को बताने वाला हूं एक ट्रिक। अब देखो यार ऊपर मेरे को बंदा लग रहा था तो मैंने ग्रेनेड फेंक के उसको नॉक कर दिया। अब देखो सेकंड ट्रिक, जैसे गाइस यार देखो ऊपर मेरा टीममेट है, ठीक है। अब मेरे को लग रहा है कि वो भाग रहा है बंदे से एंड यहाँ पे मेरे को नेट आया, मैंने नेट डाला एंड यहाँ पर नॉक हो गया, ठीक है। तो गाइस यार आप अपने टीममेट को भी टारगेट कर सकते हो जिसके पास आपको लगे एनिमी है एंड आप उसको नॉक कर सकते हो। सेकंड थिंग ये है गाइस यार कि आप नॉक, उसका नॉक टीममेट है एंड वो रिवाइव देने जा रहा है, यहाँ पे मैंने ग्रेनेड फेंका एंड गाइस यार दोनों नॉक हो गए। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हो। पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में बता।